अखरिया चरे कतबो है कतबो मारे बंकुरिया चतवा तगलनिया सचबो मारे बंकुरिया चतवा रोटियां पकाने अजो गर्मी जल गरी भांडे मांझ दी जो सर्दी जल गरी ओ एक छोटा दिया निकदिया नोक। नमस्ते, ता स्वागत है थोड़ा हिमाचली फूडी क्वीन च। अज मैं थोड़ा दसनी है हिमाचल दी फेमस धाम, हिमाचल दी कांगड़ी धाम जेड़ा है काफी फेमस है। कने ए जेड़ा धाम है सह फाइव स्टार होटल दे जेड़ा खाने हो तुसी फेल कर दी है। ता अज मैं आई हुई एक ब्याह च, कने तित्थु थोड़ा दसनी है कांगड़ी धाम च क्या क्या बनाया जांदा। तो चलो थोड़ा दस दी है। ता इसियो बनाने हो ना तो दिखी सकते चरोटियां च बड़ी बड़ी चरोटियां होंगे तीस छे खाना बनता। कने पांच सात तरीके दी दाली होंगी चौल होंगे कने मिठे चौल होंगे। हाँ कने इस टाइम मौजूद है ना बड़े ही फेमस बोटी, मतलब अह रसोईए इतू अहदी पहाड़ी भाषा च बोटी बोलते। तो बोटी है ना मोनू जी। तो मोनू जी थोड़ा हिमाचली फूडी क्वीन च बड़ा बड़ा स्वागत। धन्यवाद कविता जी। मैं चाहता था कि ये अहदे ट्रेडिशन च थोआए हो एक कुड़ी हुई कितना फेमस करा दे अहदे खाने पीने जो जो भी प्रोग्राम हो दे हिमाचल च कांगड़े च इसे फेमस करा दे। थोआ बड़े फेमस ना कुछ भी नहीं है ना, तो शुरुआत कीती कना थोआ दे पीछे पीछे इस कम में आगे बढ़ा दे थोड़ा थोड़ा ना है ना। कने ये बड़ा बड़े बड़े फोन हो दे कि इदे दी दाम कवर करनी कुछ करनी, लेकिन हुन आंदा ओले ओले के ओले चले पे भठियां चले पे। हां जी, ये टीनी वाली रसोई ना मजा है ना। हां, खत्म हो चुकी चीज। हां जी, है ना, खत्म तो नहीं हुई है बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे घटती चली हो है ना। ये पुराने घर कच्चे स्लेटा वाले घर है ना, ये सब कुछ मिलना बंद हुई है। बिल्कुल है ना, कोई नहीं मुंडू बूटा पाए रसोई बना दे बूटा पाए खवा दे रे नहीं, मतलब ना धार्मिक धाम का बोले गया था कि कोई पवित्र चीज चार धाम जो जाते बोलते धाम चार धाम चले, मतलब कोई पवित्र शब्द होया तो धाम कौन के बुजुर्ग जो ना रखे होना तो कोई सोची समझ रखे होना। बिल्कुल है ना, तीसरा चीज अगर हम जगह नहीं करे मेरा कर्म है ब्राह्मण कर्म है ना, तब तो अच्छे नहीं कर तो कमे मत करा जी है ना। हर कोई त्रीय बंदा बोला कि मैं कांगड़ी धाम बनाता, लेकिन बनाने का तरीका क्या है, गल बात करने का तरीका, खिलाने का तरीका क्या है, बनाना आसान है खुआना बार मुश्किल है ना। बिना प्याज लहसुन कोई भी आइटम ऐसी नहीं है दम च जिस प्याज लहसुन पे सात्विक भोजन है। पितली चरोटियां च लगभग बंडे च बने पालक पनीर हाली भी भुजी आ 12 बजे पैंट लगने तैयार है, लेकिन अपने रंग तप्पू छड़ा जितना तेल पाए होंगे तुड़के पाते टाइम में सब उपर आई होता सारा, मतलब कि मतलब बुझी है ना। ठीक है, इसके बाद एक मतलब एक कुलजा पत्र बजा दे ये भी। अच्छा। एक ना पुरानी को रिवाज है कि जानी है जे कुलजा बनी होती है ब्याह च सोहनी बनी होती है तो ना पत्र लगते हरे पत्र ये अलग ही मजा है ना, मजा है। हाँ। शुद्ध है ना बिल्कुल। ये दिखा ये काजू मशरूम का मतलब है ना, ये नौ ही आइटम तैयार हुई हो लगभग ड्राई फ्रूट का मतलब जिसे बोलते। इसके बाद है छुआरा रेटा छुआरा मठड़ी जिसे बल्ले पाए नवा नवा अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहेंगे जितना तक मार्केट च रहेंगे। सेपू बड़ी है मतलब ये आपू तैयार की हो इसे पूरी रात लगभग कच्ची दाल होंगी पीसते फिर फ्राई करते ना। अच्छा, सेपू बड़ी। हाँ जी, सेपू बड़ी आपू बनाते। अच्छा। हाँ जी, ये फेमस चने दाल कांगड़े दी। एक कड़ी पकौड़ा जी, ये पकौड़े भी आपू बनाने कोई नहीं कि बाजार से लेने आपू मेहनत करनी सारी। एक मिनट इसके बाद है तेलियामा, इसे बनाना सब ने कठिन आइटम है। इसमें फाइव स्टार दे कुक जो बोला कि बनाएगी 10 मैं चैलेंज करता कि सही नहीं बनाई सकता है चीज़ है। ये कड़वे तेले च ही 50% पानी ही पकने 50% जड़े ना सकोड़े तेले च पकने है ना। हाँ। कन स्मेल बिल्कुल नहीं होनी थोड़ा खाने दे अलग आनंद होना ना प्याज ना लहसुन ना कुछ ना काफी भी लगते आइटम होने पूरी दी पूरी दाम जेड़ा है बगैर बिल्कुल जी बिल्कुल मटर प्याज बिल्कुल 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 लहसुन प्याज बिल्कुल लहसुन प्याज बिना टमाटर कन दही च एक काले चने का खट्टा खट्टा
मेरे घर पठियार है लेकिन एक प्यार बनया लोग दुनिया याद कर दी कहना चले आंदे है ना फिर यहाँ बोला देगी फाइव स्टार दे होटल फेल फेल तो कर दिखी भगवान जो प्रसाद लगा दिता इस प्याज लहसुन नहीं पाते तो सब ते पहला जेड़ा भोजन है सै भगवान जो लगाया जांदा भगवान जो लगाया जांदा सै चली या कने कुल जायो जेड़ा लेडीज होनी है सै सब चली या जी सब चली या हां जी तो तिसते बाद जेड़ा लोग का सर्व करनी है तो इसे बनाने भी बड़ा भारी टाइम लगता है 5-6 घंटे लगदे कविता जी ना बड़ी मेहनत लगदी कोई धुआं लगदा तो कोई कुछ होदा कोई 4-5 बजे थवा लगदे 4-5 बजे लगदे बिल्कुल जी बड़ा टाइम लगदा 8-10 आइटम होंदी थोड़ी जी गाटन कई जगह मतियां बनांदे कई थोड़ी बनांदे लेकिन मेरे समझ रहते नहीं कि जेडी आइटम सब बिल्कुल सफिशिएंट है कि बंदा आराम में खाई भी सके हूं जहां खाना लगना है तो अपनी तरज रहने से भी नंगे पैर धोती वाले होने अच्छा। ये नहीं है सैनिक हो जाते बूटा पा चले जिद आइटम जिसे पालक पनीर पसंद है पालक पनीर खाना है ना हाँ एक एक आइटम जी एक एक सर्व करनी ताकि टेस्ट हो मैं बोलता मैं चैलेंज करता कि रात रोटी खा दे शाही पनीर पाई लिया प्लेटा उपर रायता भी प्लेटा पाई लिया पता क्या लगा तो उसका टेस्ट क्या है है कि नहीं तो मेहनत करने मजा तो है कि खाने वाले मजा हुआ बार कहने भुइया बैठी की पतला च खाने का लेकिन मैं भूल दाम बनाना मुश्किल है ना रात रोटी बनाने देना मुश्किल नहीं है प्याज लहसुन पाई दिया दवाई की कने पनीरे बड़े बड़े पीस पाई दिया तो हुई है रोटी मैं बड़े दिन ते सोचा दी थी कि कांगड़ी दाम कवर करनी है करनी भी थोंदी ही है हां मुझे बड़ी बड़ी कोशिश की थी फोन करने दी पर क्या होता कि टाइम नहीं मिल पांदा ते कल्चर नहीं मिली पांदा जो दसी पान है कने आजकल जेड़ा ऐसा भटियां च खाना बनना शुरू हो गया पर दिखा तीनी च हां स्पेशली तीनी च जेड़ा है कवर करना चाहया था ते तीनी च चरोटियां रखियां कने ये खाना धीरे धीरे जेड़ा है गच पकादा कने इसका स्वाद ही जेड़ा है इसका स्वाद अलग है पितली दे बनदे ने इने चरोटियां बोल बोलदे आंदी देसी भाषा च ना ते इदा खाने दा टेस्ट ही अलग है मेरे तो कोशिश वे है कि उने टाइम में पतीले अगर पतीले च बनाने इंटरेस्टेड तो पतीले भी दे दे तांबे दे या जे पितली दे होन हां वैसे तो अपना कल्चर अपना कल्चर पहले बाटियां ते नहीं होंदियां थी ग्लास बड़े-बड़े ते होंदे थे मतलब वहां ऐसी जनरेशन ते निकले ने कविता जी कि नोटबंदी हुई सब चेंज हुए नोट चेंज हुए सन चेंज होया 1999 2000 बीच आए सब कुछ आया सब कुछ पितली दे ग्लास हुंदे थे जग पितली दे हुंदे थे बाटियां पितली कड़छियां थी पर ये दिते हाथी ही कम दे थे है ना पर ये देना जाना तो मुश्किल हुंदी थी पर चलो सा चीज सिखाई कि यहां दे बुजुर्ग बनांदे थे आते थोते सिखया गुरुओं ते सिखया ना पर मजा हुंदा इस कम में च कि ऐसा नहीं है कि मैं टलियां किस नहीं कर रहा इंटरेस्ट नहीं कर करता मेरा परिवार जिसने रोटी खा था चार मुंडो और जोड़े सब रोटी खा देना तो जिस प्यारे ने खवांगे तिसने बनांगे सब मजा हुंदा है ना कांगड़ी धाम दाना भुइयां बैठी ने पतले च खाने दा मजा ही कुछ होर है कने हिमाचले की गल की जाए हिमाचली धाम है कहता इतों जड़ा है ना इतनी स्वाद होंगी तो परोसे भी लोग जरूर लेंदे तो देखी लिया खाते तो खाते कन्ने लई भी आते एडी स्वाद होंगी।